तो ये देखो आप फ्लूइड में रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लूइड के प्रेशर की बात की जाएगी ना। सो फंडामेंटली फ्लूइड का प्रेशर की अगर हम बात करें, ऊपर जो फ्लूइड प्रेशर लिखा है उसमें मैटर के क्लासिफिकेशन है। सो मैटर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, सॉलिड लिक्विड गैसेस। और सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग सो दैट शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड डू नॉट चेंज। मतलब ये कुल मिलाकर सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में बेसिक क्लासिफिकेशन है। लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया है। लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन फ्लो। अब प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया देन द प्रेशर इज एफ बाई ए। इसको समझना पड़ेगा आपको। कैसे समझेंगे देखो, अगर हम लोग कोई एरिया इमेजिन करें, मतलब कोई एक रेक्टेंगल हो या सर्कल, किसी भी तरीके का कोई एक एरिया ड्रॉ करता हूं मैं, अगर एनी काइंड ऑफ एरिया, और अगर हम इस एरिया पर फोर्सेस अप्लाई करें, है ना, इस एरिया के ऊपर हम लोग फोर्सेस अप्लाई करें अगर मान लो, लेकिन हम लोग इस एरिया पर एक फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक फोर्स इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दो फोर्सेस लगा रहे हैं मान लो इसके ऊपर। एक फोर्स को मैंने F1 डिनोट किया हुआ है, एक फोर्स को मैंने F2 डिनोट किया हुआ है, और ये जो रेक्टेंगल है इसका कुछ एरिया होगा जो उसकी लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल टाइमिंग के लिए इसके एरिया को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें हम कौन से फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जब फोर्स बाई एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो कौन से फोर्स की बात की जाएगी? दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज द फोर्स शुड एक्ट परपेंडिकुलरली, है ना, जो एरिया है उसके परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे तो ही प्रेशर आएगा। मतलब अगर आप अपनी बॉडी में अपनी स्किन को, अगर आप अपनी स्किन को आप सॉफ्ट तरीके से रब करें तो प्रेशर जनरेट नहीं होता है। प्रेशर के लिए आपकी अपनी बॉडी को प्रेस करना पड़ता है अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाना पड़ता है। तो इन दिस फिगर प्रेशर पी, इन दिस फिगर इफ वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ प्रेशर पी देन वी कैन राइट इट फोर्स F1 डिवाइडेड बाय एरिया। रिमेंबर द फोर्स विच इज पैरेलल टू द सर्फेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रेशर ऑन द सर्फेस, बट द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस दैट प्रोवाइड्स प्रेशर ऑन द सर्फेस। दैट इज बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। और इसके बाद एक और बात कही जा रही है कि जो प्रेशर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, प्रेशर की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ? तो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा तुम्हें, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर को और बेटर तरीके से समझने के लिए। देखो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल का एग्जाम्पल लें जिसकी फोर लेग्स है, फोर लेग वाला टेबल अगर हम ले, मान लो कोई घर में टेबल है हमारे, तो उसकी फोर लेग्स होती हैं। थ्री लेग्स वाली टेबल्स भी आती हैं, टू लेग्स वाली भी होती हैं, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ टेबल कैसा है। तो इस तरीके से अगर आप फोर लेग्स वाली टेबल मान लें तो टेबल्स का प्रेशर जो है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अगर आपसे कैलकुलेट कर रहे हो कहा जाए तो। देखो मैं ये एज्यूम करूंगा कि इसके चारों लेग्स आइडेंटिकल हैं, इसके चारों लेग्स बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से हैं, और इस टेबल का अपना कुछ मास होगा, है ना, टेबल ऑफ मास सपोज दैट m है, और जो इसकी ये जो चार लेग्स हैं उसको मैं L1, leg 1, leg 2, leg 3, leg 4, चार लेग्स के नाम से जानते हैं इसको। तो अगर आप इसकी लेग को देखोगे ना, तो लेग का जो बॉटम साइड होता है ना वहाँ पर एक स्क्वायर टाइप की फिगर बनती है। अगर आप कभी भी उठा करके देखेंगे तो ये जो वुड होता है इसमें नीचे से एक रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर टाइप का सरफेस बनता है ये, ठीक है जी। तो अगर ये इसकी लेग का नीचे वाला एरिया, इसकी नीचे वाला एरिया अगर हम यहाँ पर जो बिल्कुल ग्राउंड के टच पे आ रहा है, अगर ये वाला एरिया मान लो कैपिटल ए है, ऐसे ही इधर वाली लेग के नीचे वाला एरिया कैपिटल ए है, इस वाले लेग के नीचे वाला एरिया कैपिटल ए है, और इसके भी के एरिया कैपिटल ए है, तो टेबल का जो टोटल वेट बनेगा यहाँ पर मास एम के हिसाब से, इसकी टोटल वेट हो जाएगी ग्राउंड की तरफ से, अर्थ की तरफ से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो आप कहोगे मास एम मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये आपका फोर्स है, लेकिन ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होता है कि अगर ये चार लेग है तो ये चारों लेग में इस फोर्स का इक्वल डिवीजन होगा, ये मानते हुए कि ये जो टेबल है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, किसी साइड पर मोटा नहीं है, किसी साइड पतला नहीं है, बिल्कुल एक जैसा टेबल है ये, और चारों लेग जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन चारों लेग्स के ऊपर
इन चारों लेग्स के ऊपर इस mg का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द लोड ऑन द लेग नंबर वन, हाउ मच इज द लोड ऑन द लेग नंबर टू, इस तरीके से अगर हम बात करें तो लेग वन पर कितना लोड है, लेग टू पर कितना लोड है, लेग थ्री पर कितना लोड है एंड लेग फोर पर कितना लोड है। तो अगर ये टेबल बिल्कुल होमोजीनियस है तो हम क्या कहेंगे, टोटल वेट का 1/4 यानी mg डिवाइडेड बाय 4 इन चारों लेग्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर कैपिटल ए एरिया ऑफ लेग है, एरिया ऑफ द लेग है, तो आप क्या बोलोगे प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पर। प्रेशर अगर हम बात करें कि प्रेशर ऑन द लेग वन कितना है, तो लेग वन पर mg डिवाइडेड बाई 4 का फोर्स लगेगा, mg बाई 4 और डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, और इतना ही प्रेशर लेग टू के ऊपर भी आएगा। आई बात समझ में आपको ये? यस सर। यस सर। तो ये मैंने बेसिकली प्रेशर को क्रिएट क्या होता है ये समझाने के लिए लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओगे, लिक्विड्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है प्रेशर्स को लेकर के। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यहाँ पर तीन फिगर्स हैं। फिगर वन के अंदर एक सिलेंडर है जो कि वर्टिकल रखा गया है, ठीक है। फिगर वन में एक वर्टिकल सिलेंडर है, फिगर टू में एक हॉरिजेंटल सिलेंडर है, और फिगर थ्री में फिर से एक वर्टिकल सिलेंडर है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तीनों ही फिगर्स में जहां पर कैपिटल ए लिखा हुआ है वो इसके टॉप साइड से एच डिस्टेंस नीचे है। मतलब ये डेप्थ भी एच है, ये डेप्थ भी इक्वल टू एच है, और ये वाली डेप्थ भी एच के बराबर है। ये तीनों डेप्थ एच के इक्वल है, ये एच भी, ये वाला एच और ये वाला एच, तीनों की डेप्थ सेम है। लेकिन अगर आप एक नोटिस करो तो फिगर नंबर वन में जिस पर एरिया ए लिखा हुआ है उसको अगर आप एनलार्ज करके दिखाऊं मैं अगर, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। फिगर नंबर वन में कैपिटल ए का एरिया ऐसे है फर्स्ट फिगर में, सेकंड वाले फिगर में जहां पर कैपिटल ए लिखा हुआ है वो वाला एरिया देखो अगर आप, तो वो वाला एरिया ऐसे है, वर्टिकल साइड पर है, इस तरीके से है। और थर्ड वाले फिगर में वापस वो एरिया देखा जाए तो फिर से वो बॉटम साइड पर है। तो फर्स्ट वाले फिगर को हम कहते हैं कि ये हॉरिजेंटल एरिया बन रहा, सेकंड वाले फिगर को आप कहोगे कि ये एरिया जो बन रहा वो वर्टिकल एरिया बन रहा है। लेकिन ये सब के सब ना इक्वल डेप्थ पर हैं, ये सबकी डेप्थ ऊपर से सेम है, एच डेप्थ पर, एच डेप्थ पर और एच डेप्थ पर। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एरिया आप किसी भी तरीके से रखो, एरिया आप हॉरिजेंटल तरीके से रखना चाहते हो, वर्टिकल तरीके से रखना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके से रखोगे, तो वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन दिस एरिया, जितना प्रेशर इस एरिया पर जनरेट होगा उतना ही प्रेशर इस वाले एरिया पर भी जनरेट होगा, एंड उतना ही प्रेशर इस वाले एरिया पर भी जनरेट होगा सेम। मतलब कि सेम डेप्थ पर किसी भी तरीके से आप एरिया को पुट कर दें, वैल्यू ऑफ प्रेशर आइडेंटिकल ही जनरेट होती है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर वन है। देखिए मतलब यहां पर देखो, ये स्टेटमेंट समझ पाए आपके, एरिया का मतलब क्या होगा कि एरिया हमने रखा किस तरीके से है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ये तो मैं फिर से देखो समझाऊं बिल्कुल, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझो आप कि क्या मतलब है इसको। इसको मैं दूसरे फिगर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ना दो कंटेनर्स लेते हैं। अब मान लो इसके अंदर हमने कोई लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने मान लो कोई एक आइडेंटिकल लिक्विड हमने मान लो इसके अंदर फिल किया, एक सेकेंड थोड़ा सा ये फिगर ड्रॉ कर ले फिर बताते हैं आपको। ठीक है जी, तो अब ये मान लो हमने लिक्विड भर दिया, हम क्या कहने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम कोई एरिया ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ किया जो कि बिल्कुल हॉरिजेंटल है। हमने एक एरिया रखा, मतलब हमने मान लो एक रेक्टेंगुलर पेपर उसके अंदर रखा बिल्कुल हॉरिजेंटल। उसी डेप्थ पर मैंने एक वर्टिकल पेपर रखा, उसी डेप्थ पर एक पेपर को मैंने वर्टिकल कर दिया, और उसी डेप्थ पर मैंने एक पेपर को स्लैंटेड कर दिया, थोड़ा सा स्लैंटेड। तो अलग अलग तरीके से आप एक पेपर को रख रहे हो, लेकिन तीनों में कॉमन क्या चीज है, तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों पेपर्स का जो सेंटर पॉइंट है, तीनों का जो सेंटर पॉइंट है, ये तीनों का सेंटर पॉइंट ऊपर से सेम डेप्थ के ऊपर है।
टॉप साइड से इन सबकी डेप्थ सेम है, मतलब पहले वाले का सेंटर, दूसरे वाले का सेंटर और तीसरे वाले का सेंटर, तीनों के सेंटर सेम डेप्थ पर हैं। और ये एरिया आपका कैपिटल ए है, यहाँ पर भी एरिया कैपिटल ए है, यहाँ पर भी एरिया कैपिटल ए है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ये कहता है कि फर्स्ट वाले एरिया पर जो प्रेशर की वैल्यू बनेगी, सेकंड वाले एरिया पर जो प्रेशर की वैल्यू बनेगी एंड थर्ड वाले एरिया पर जो प्रेशर की वैल्यू बनेगी, थर्ड वाले एरिया पर, ये सारे प्रेशर्स आइडेंटिकल होंगे। यानी कि प्रेशर किसी भी डेप्थ पर, प्रेशर एट एनी डेप्थ डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ एरिया, ये कह सकते हो आप, डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ द एरिया इज प्लेस्ड। अभी क्लियर हुआ इस फिगर में या इससे भी नहीं समझ पा रहे हो आप? सर बट इस पे परपेंडिकुलर फोर्स ए वाले पर ज्यादा लगेगा कंपेयर टू सर जो दूसरा रखा हुआ है। किस लॉजिक से कह रहे हो बच्चे? लॉजिक बताएं क्यों, कैसे कह रहे हैं? देखिए ये सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा है तीनों का सेंटर बिल्कुल एक सेम, तीनों के सेंटर्स का लेवल सेम है, यानी कि प्रेशर एरिया आप फ्लैट करके रखते हो, वर्टिकल करके रखते हो या टिल्ट करके रखते हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करेगा, किसी डेप्थ पे जाने पर, मतलब एच डेप्थ पर यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, हाउ मच प्रेशर एट दिस पॉइंट, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है हाउ मच प्रेशर विल बी एट दिस पॉइंट, तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि अगर हम एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की प्रेशर को पी एटीएम से डिनोट करें और उसके बाद लिक्विड में एच डेप्थ पे जाते हो, तो प्रेशर एट डेप्थ कैलकुलेट करने का जो रिजल्ट था हमारा, जो फॉर्मूला था वो ये था कि प्रेशर बाय द एटमॉस्फेयर और प्लस उसमें कुछ टर्म हम लोग ऐड करते थे। कितना ऐड करते थे अगर याद करें? सर एरिया नहीं, नहीं लिक्विड्स के एचडीजी। हाँ, मतलब कितनी डेप्थ पे जा रहे हो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ये रिजल्ट आपको याद करो प्रेशर एट डेप्थ का फॉर्मूला। यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि प्रेशर जो है, जो पॉइंट कहा जा रहा है कि आप किसी भी एक और एग्जांपल चाहो तो मैं समझा सकता हूँ। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए क्या है इसी का। अगर मान लो इस कंटेनर के अंदर मैं कोई क्यूब को रखता हूँ, इस कंटेनर के अंदर अगर मैंने कोई क्यूब रखा मान लो इसके इनसाइड पर, तो सपोज दैट इस तरीके से मैंने एक क्यूब प्लेस किया और उसकी एक साइड को मैंने स्लांटेड कर दिया, मतलब एक क्यूब बना रहा हूँ लेकिन एक साइड स्लांटेड कर देता हूँ, ऐसे कर दीजिए। अब थोड़ा सा आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट है मेरा, अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। अब आप देखो, मान लो इसके अंदर लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं हम लोग, इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं, तो ज्योमेट्री वाइज देखिए, ज्योमेट्री वाइज यहाँ पर जो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, इसको ए वन डिनोट करो और दूसरा वाला एरिया जो यहाँ पर बन रहा है इसको ए टू डिनोट कर देते हैं, ए वन और ए टू। एरिया ए वन का जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट, एरिया ए वन का मिड पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये ऊपर से एच डिस्टेंस पे है, और एरिया ए टू का सेंटर पॉइंट ये भी हम लोग मानते हैं ऊपर से एच डिस्टेंस पे, दोनों को एच डिस्टेंस पे मानो। तो अब ये बताएंगे आप कि यहाँ पर प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा होगा, और मैं ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं बता दूं आपको, मेरे इस पॉइंट को डिस्कस करने का रीजन क्या है। स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है, उनको कन्फ्यूजन क्या है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। So can we say that the pressure depends on the area? In case of liquid, can we say that the pressure depends area. on the area? Bolo. Because we can write this relation in other form as F equals to P multiplied by A. You can write the same relation in a different way, F equals to P into A. So shall I write pressure depends on area or should I write force depends on the area? सर प्रेशर इनवर्सली डिपेंड ऑन एरिया एंड फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन एरिया। नहीं लिक्विड, बच्चा लिक्विड की प्रॉपर्टी सुनो, लिक्विड की प्रॉपर्टीज आप लोग लिक्विड में नहीं कर,
लिक्विड में मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि लिक्विड जितना प्रेशर एरिया A1 पर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर के वर्ड में प्रेस करना होता है, दबाना होता है, इस तरीके बोलते हो आप, यानी लिक्विड जो है वो इस बॉडी को दबाएगा चारों तरफ से, ये जो बॉडी लिक्विड के अंदर है लिक्विड इसको प्रेस करेगा, तो लिक्विड लेफ्ट साइड से इसको पुश करेगा अंदर की तरफ, भाई किसी बॉडी को प्रेस करने के लिए आप उसको पुश करोगे, और इधर A2 वाले साइड पर भी पुश करेंगे, लेकिन A2 वाले सरफेस पर बॉडी को पुश करने की डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि जो ये फोर्स लगेगा ये हमेशा 90 डिग्री पे लगना चाहिए, यानी लिक्विड A1 वाले सरफेस को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करेगा, बिकॉज वही चीज उस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी, लेकिन A2 वाला सरफेस क्योंकि स्लांटेड सरफेस है, तिरछा है थोड़ा सा, तो उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी स्लांटेड आएगी, और A1 एक अलग एरिया है, A2 एक अलग एरिया है, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोनों के सेंटर पॉइंट्स सेम डेप्थ पर हैं, तो भले इनके एरियाज में डिफरेंस हो, प्रेशर बाय लिक्विड एरिया A1 पर एंड प्रेशर बाय लिक्विड एरिया A2 पर बराबर बराबर होगा, यही पॉइंट आपको समझा रहा हूं आपको, प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगी वो एरिया पर डिपेंड करता है, दैट इज फोर्स विल बी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एंड ऑब्वियसली इन दिस फिगर द एरिया A2 इज लार्जर देन द एरिया A1, सो आई कैन राइट दैट द फोर्स F1 विच लिक्विड एग्जर्ट्स ऑन द सरफेस A1 and the force F2 which liquid exerts on the surface A2, in that case the force F2 will be more than force F1. सर ये लॉ है, प्रॉपर्टीज हैं इनकी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है कि if you have different type of surfaces where the center of all surfaces is at the same depth, then all the surfaces will experience the same value of pressure. But the surface having larger area will feel larger force. The surface having lesser area will feel lesser force. Sir, एक question पूछ सकते हैं? हाँ बच्चा पूछो, पहले इसको complete कर दूँ, मैं conclude कर दूँ, मैं उसके बाद allow कर देता हूँ आपको अभी. So statement देखो मेरा क्या है यहाँ पर. द फोर्स, देखिए जब आप बात करते हो फोर्स की तो न्यूटन लॉ के टाइम पर फोर्स में दो ही चीजें होती है ना, फोर्स को आप दो ही कैटेगरीज में बार बार डिवाइड करते हो, यानी बार बार जब भी कोई फोर्स है तो उसको आप पुश और पुल के फॉर्म में देखा करो, तो जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो कौन सा होता है बताइए आप, फोर्स बाय लिक्विड कैसा होगा, दुनिया का कोई भी फोर्स होगा आप इस दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, तो लिक्विड का फोर्स बेसिकली बॉडीज को पुश करता है और इसीलिए प्रेशर जनरेट होता है, तो लिक्विड किसी भी सरफेस को कौन सी डायरेक्शन में पुश करेगा ये कैसे बताओगे आप, पुश करने की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए ना यार, तो फोर्स बाय लिक्विड हम कह रहे हैं कि ये पुश होता है और दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो फॉर्मूला है ना वो ये कहता है दैट फॉर्मूला ये कहता है पिछला दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, बट यू कैन राइट द सेम चीज सेम फॉर्मूला एज एफ इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, दोनों आइडेंटिकल रिलेशन है, सो ये डिफ्रेंशिएट करो, दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द एरिया वेदर द प्रेशर विल इंक्रीज और फोर्स विल इंक्रीज, इसको मैं और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, एक और तरीके से समझाता हूँ बच्चा, एक और तरीके से देखो, एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए, एक लास्ट अटेम्प्ट, दैट इसके अंदर हमने एक सरफेस बनाया मान लो, और ये सरफेस हमने एक वर्टिकल साइड पर बनाया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एक छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया इस तरीके से, और हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिए, मान लो इसके इन साइड पर लिक्विड भर दिया, अब एक स्मॉलर एरिया है एक लार्जर एरिया है, बट एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, स्मॉलर एरिया का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ स्मॉलर एरिया C1 एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ लार्जर एरिया C2,
I assume that both centers are at the same level, both centers. That means center of the smaller area is at the depth h, and the center of the larger area is also at the depth h. Both are at the same depth. Now liquid तो push करेगा इसको, liquid force लगाएगा, दबाएगा इस surface को. So liquid smaller area को push कर रहा है और liquid larger area को भी push कर रहा है. Liquid smaller area को push करेगा by the force F1, liquid larger area को push करेगा by the force F2. और अगर मैं ये कहूँ कि center C1 पर pressure की value P1 है, center C1 पर pressure की value P1 and center C2 पर pressure की value P2, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि because they are at the same depth, pressure P1 equals to P2, equals to P2, but the forces will not be equal because as the force is P multiplied by A. So you will say that the force will be proportion with A, in proportion with A, that is the surface with a smaller area, that is F1, will be less than the surface of larger area F2. अभी बात समझ में आई कि जो मैंने बोलना चाह रहा हूँ वो ये चीज है. Yes, sir. अगर shape different होगा तो shape different होगा तो area ही तो different होगा ना यार. सब मतलब अगर एरिया टू अगर एरिया वन से बड़ा है मतलब कि फोर्स टू भी फोर्स वन से बड़ा होगा. बिल्कुल, मतलब प्रेशर जो होता है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है आपका. अगर एरिया सेम होगा और शेप डिफरेंट होगा तो सेम आएगा. बिल्कुल सही सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपका. ये क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ इस एग्जाम्पल से. बट मुझे लग रहा है कि आज शायद हम लोग पूरा रिवीजन कर नहीं पाएंगे बिकॉज हाफ एन आवर हम लोग का किल हो गया जो उस वजह से. एनीवे, तो हम एक बड़ा सा कंटेनर मानते हैं, ठीक है जी. उस बड़े से कंटेनर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके से आपको रख के दिखाते हैं. तो हमने एक रेक्टेंगल रखा पहले, मान लो यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा वर्टिकल, फिर हमने एक रेक्टेंगल रखा हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल रेक्टेंगल एक हॉरिजेंटल रेक्टेंगल, और उसके बाद हमने एक सर्किल रखा. अब शेप डिफरेंट हो गई सर. अगर कोई स्ट्रीमलाइन शेप होगा, स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट होगा, तब तो उसमें प्रेशर कम लगेगा, चाहे एरिया दोनों का सेम भी क्यों ना हो. नहीं नहीं सुनो बच्चा, सुनो तो मेरी बात, अभी स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो और पहले इसके अंदर पानी तो भरे, लिक्विड भर देते. अब एक लिक्विड में डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, रेक्टेंगल है और दो रेक्टेंगल है एक सर्किल है. बट अगेन मेरा एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, मैं बार बार जिस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल C1, center of second rectangle C2 and the center of third one C3. I assume all the three centers are at the same level. ये मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया बट आप एडजस्ट करोगे इसको, ठीक है ना, कुछ ऐसा है. That means कि मैं ये क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पर यार कि depth जो है h तीनों का level same है. C2 भी ऊपर से h distance है, C1 भी ऊपर से h distance है. So इनमें common चीज क्या होगी, common चीज क्या होगी जानते हो? Pressure will be same. Pressure will be same. Assuming that the, and if the areas are equal, suppose that first rectangle is of area A, second rectangle is of area A, third rectangle is of area A. So if their areas are also equal, forces are same. Equal. And if sub forces are same. And if I denote them A1, A2, A3, if I denote the areas by A1, A2, A3, then I will say that the force F1 will be this pressure, which is PATM plus HDG. Times into A1. A1, and if I want to calculate the force F2, I will write PATM plus HDG, same pressure, but area should be A2, and similarly for F3, it should be PATM plus HDG, again same pressure, but the area will be A3. Abhi clear hua concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So pressure only depends on the depth and the density. Pressure depends on depth and density.
सर स्ट्रीमलाइन भी होगा तब भी नहीं हो पाएगा ज्यादा प्रेशर. मेरे स्टेटमेंट सुनो कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इनफैक्ट थ्री फैक्टर्स, सॉरी थ्री. कौन कौन से? डेप्थ, डेंसिटी और ग्रेविटी. जी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. नाउ द नेक्स्ट इज थ्रस्ट. तो डेफिनेशन है, थ्रस्ट बेसिकली फोर्स है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. मर्क्यूरी बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? तो एक देखो, ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं. ठीक है, तो बैरोमीटर, मीटर जिसके आगे भी मीटर लगा होता है ना, इसका मतलब वो मेजर कर रहे हो. थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर में थर्म यानी कि टेम्परेचर मेजर होता है. बैरोमीटर मेजरमेंट ऑफ अ प्रेशर करते हो आप, इसके थ्रू मेजर करते हैं वैल्यू ऑफ अ पी को. प्रेशर मेजर करने की डिवाइस होती है कि प्रेशर ज्यादा है या कम है. हमारे घरों में बीपी की कुछ मशीन्स आती हैं ब्लड प्रेशर्स को मेजर करने की. मैनोमीटर, हाँ मीटर सब में लगा होगा. देखो एक कॉमन चीज होती है मैनोमीटर, बैरोमीटर. तो बैरोमीटर क्या होता है ना, ऐसे एक जार टाइप की चीज है, ये एक टब है. टब जैसे आप, तो टब के अंदर पानी की जगह पर मर्क्यूरी है और उसके अंदर ऐसे एक उल्टा उल्टा इन्वर्टेड वो है, क्या बोलते हो आप, ट्यूब, टेस्ट ट्यूब टाइप. टेस्ट ट्यूब, हाँ. उसका टॉप साइड वैक्यूम है, बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम. तो वैक्यूम होगा ऑस्ट्रेलियन वैक्यूम, हाँ. तो वहां पर प्रेशर जीरो हो गया, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर जीरो. और उससे एच डेप्थ नीचे जब आओगे, उससे एच डेप्थ नीचे मतलब इससे अगर हम एच डिस्टेंस नीचे जाएंगे, तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर यह ऊपर जीरो प्रेशर है और एच डिस्टेंस नीचे जा रहे हो आप, तो पॉइंट बी का प्रेशर क्या बनेगा? प्रेशर एट पॉइंट बी जब निकालेंगे तो एच डी जी. हाँ सर, एच डी जी. एच डी जी, हाँ. टॉप साइड पर एच डी जी, तो एच डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी. डेंसिटी को सर रो भी कहते हैं ना. हाँ, सिंबल है उसका, रो. रो इसका सिंबल यहाँ लिखा हुआ है, रो लिखो तरीके का सर. हाँ, एंड जो आउटसाइड पॉइंट सी है ना, आउटसाइड पर पॉइंट सी, आउटसाइड मतलब जो टब का पॉइंट है, टब के अंदर, तो ये पॉइंट के ऊपर एयर है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा पी एटीएम. अब क्योंकि सी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों का लेवल एक है, सी और बी सेम लेवल के पॉइंट है, राइट. यही कंसेप्ट होता है कि सेम लेवल के दो पॉइंट्स का प्रेशर हमेशा बराबर मिलेगा आपको. तो पी ए टी एम, जो कि प्रेशर किस पॉइंट पे है, ये प्रेशर है एट द पॉइंट सी जो कि बाहर है, और एच डी जी दिस इज द प्रेशर एट द पॉइंट बी. बट सिंस पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर ऑन द सेम लेवल्स, दीज टू वैल्यू शुड बी इक्वल. सो इनसाइड में जो एच होता है, ये एच, इसको हम लोग मेजर करते हैं स्केल से कि कितने सेंटीमीटर का है ये. और जब एच के मेजरमेंट्स कर लेते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर होगा, तो उसको डी और जी से मल्टीप्लाई करके ये पता लगा सकते हो कि वहां पर एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है. नॉर्मली ये जो हाइट आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है, नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 76. क्या बोल रहे, कहां पर? सी लेवल पर, एट सी लेवल 76. तो इसको कन्वेंशनली बोलने का तरीका क्या है ना, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, वी स्पीक लाइक दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, वी स्पीक लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ, ये ऑटोमेटिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो इसका क्या मतलब होता है जब ऐसा कुछ आप बोलते हो ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसका मतलब क्या है कि जो बैरोमीटर के अंदर हाइट है एच, सेइंग दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मींस दिस 76 सेंटीमीटर इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एच, इज द वैल्यू ऑफ एच. सो हाउ टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन? If it is saying, if it is written that the atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury,
then you can calculate atmospheric pressure by this result, which is HDG. In this result, H will be taken as 76 centimeter, D will be the density of a mercury, and G the value of gravity. This is barometer concept. बोलो बच्चे, क्लियर है जी? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इसमें डेंसिटी मर्करी की देंगे? हाँ, मर्करी की डेंसिटी। डी वो दिया रहेगा उसमें? हाँ, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। सर 13.6 होती है शायद। 13.6। ठीक। एक और चीज बता दे रहे हैं आपको, देखो एक और कंसेप्ट बता दे रहे हैं इसी के तरीके से। बैरोमीटर के सिमिलर एक और कंसेप्ट है, उसको कहते हैं मैनोमीटर। ये क्या होता है आपको बता रहे हैं, मैनोमीटर क्या होता है, आप कंसेप्ट समझना इसका। इसमें भी एक ट्यूब है बच्चा, ये थोड़ा सा माइक अपने घर की तरफ आप लोग म्यूट कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा सर। बट इट मेजर्स द प्रेशर एट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। बता रहे इसमें क्या है, इस तरीके से एक ट्यूब है और ट्यूब का एक साइड जो है ना वो किसी मान लो गैस चैम्बर से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई गैस का चैम्बर है मान लो, उससे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कोई गैस का चैम्बर, तो उसमें गैस का प्रेशर होता है पी जी, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। और दूसरे साइड ओपन कर देते हैं इसको, ओपन टू एटमोस्फियर है, और इसके अंदर भी मर्क्यूरी डाल देते हैं, इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी फिल कर देते हैं एचजी। तो बिकॉज क्या होता है कि जो गैस होती है ना, जब किसी गैस को आप किसी क्लोज बॉक्स में डाल देते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा होता है। तो लेफ्ट और राइट साइड पर बात करिए, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड की अगर हम बात करें, और लेफ्ट साइड का जो लेवल है और जो राइट साइड का लेवल है, इनके लेवल्स में डिफरेंस है। इन लेफ्ट साइड के लेवल में और राइट साइड के लेवल में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम डेल्टा एच कह रहे हैं। मान लो लेफ्ट साइड के लेवल में और राइट साइड के लेवल में जो डिफरेंस है उसको डेल्टा एच कह रहे हैं। कंसेप्ट क्या होता है देखो, लेफ्ट साइड जो ये गैस चैम्बर से कनेक्टेड है, तो इस गैस की वजह से ये जो गैस होता है ये लेफ्ट साइड पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सो लेफ्ट साइड प्रेशर जो होगा यहां पर एट दिस पॉइंट, दिस विल बी प्रेशर ऑफ गैस। राइट साइड आओ, राइट साइड में बिकॉज ऊपर यहां एटमॉस्फियर है, तो एट द टॉप पॉइंट ऑफ द राइट साइड, एट द टॉप पॉइंट ऑफ राइट साइड द प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फियर टॉप साइड पर। अब उससे डेल्टा एच डेप्थ पे जब जाओगे, इससे डेल्टा एच डेप्थ नीचे चले गए, तो नाउ प्रेशर विल बी इस पॉइंट पर, डेल्टा एच डिस्टेंस नीचे जाने वाले पॉइंट पर ही। तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो एट दिस पॉइंट प्रेशर ऑफ गैस और इसकी वैल्यू सेम होगी। हाँ, पहले इसे कैलकुलेट करें कितना होगा। देखिए टॉप साइड इफ यू हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, then going into the liquid the pressure will increase and it will become the atmospheric pressure plus kitna depth pe ja raha hai, hdg h ki jagah delta h likha hua hai maine aur d into g। now this left side if I denote it point a, on the right side I denote it point b। Since A and B are on same level, A and B are on same level, क्या कहेंगे हम लोग यहां पर, that pressure at A is equal to the pressure at B because they are at the same level. And who is pressing the point A? Pressure at A का मतलब someone will press the point A. The gas. So that value we have written as P atmosphere
प्लस एच डी जी. क्लियर हुआ आपको पॉइंट ये? यस सर. हाउ दे आर इक्वल? दे आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल्स. सर हमेशा मर्करी क्यों इस्तेमाल करते हैं? मर्करी का भी तो प्रेशर एक्ट हो रहा होगा. तो ये मर्करी का है, तो है एच डी जी है जो डेल्टा एच डी जी है, वो प्रेशर तो मर्करी की वजह से ही आया. सर कोई स्पेशल रीजन है इसमें से हमेशा मर्करी इस्तेमाल होती है? हाँ बच्चा रीजन है, उसका भी रीजन है, अभी बताते हैं आपको. प्रेशर ऑफ गैस विल बी प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस डेल्टा एच डी जी. ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ आप. यस सर. यस सर. पक्का ना? देखो प्रेस मतलब देखो पॉइंट बी के ऊपर क्या है, आप सिंपल देखो ना, व्हाट इज अबव अ पॉइंट बी. तो अबव अ पॉइंट बी देयर इज अ मर्करी ऑफ डेल्टा एच का हाइट एंड अबव दिस मर्करी देयर इज एटमॉस्फेयर. तो हु विल प्रेस द पॉइंट बी? हु विल प्रेस पॉइंट बी? सो दिस मर्करी व्हिच इज ऑफ डेल्टा एच एंड ऑल्सो द एटमॉस्फेयर, सो देयर विल बी टू प्रेशर्स एट पॉइंट बी एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन अ प्लस साइन. PATM is the pressure which is due to the atmosphere and remaining delta HDG is the pressure because of this extra liquid which is above the point B. Whereas on the left side, who will press this point A? So what is above pressure point A? What is pressure? Right? So there is a gas above point A, so gas will press this point A. But since A and B are on the same levels, they must be pressed by the same amount. Clear ho gaya point aapka? Bolo. Yes sir. What liquid bhi to include ho raha hai B wale mein aur A wale mein to sirf gas hai. Bacha to tabhi to barabar honge, matlab gas ka pressure. Acha ye batao agar pressure barabar nahi honge, socho. To liquid kya stable rahega? Kya ye liquid yahan stationary rest pe rahega? आपको पता है कि लिक्विड्स की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. सो इफ ए एंड बी आर नॉट एट द सेम प्रेशर, समवन विल बी हायर, आइदर ए विल बी हायर और बी विल बी हायर. एंड इफ प्रेशर एट ए और बी, इफ एनी वन प्रेशर बिकम्स हायर देन द अदर पॉइंट, दिस लिक्विड विल नॉट रिमेन stationary inside this tube. It will start flowing either from A to B or from B to A. Bole. Yes sir, understood. Yes sir, understood. Yes sir. We are assuming, yes sir. We are considering the situation where the liquid is at rest. It is not flowing. We are not considering the flowing liquids. Property of flowing liquids is different than the properties of liquid at rest. Properties of flowing liquid different than the properties of liquid at rest. Next. So now atmospheric pressure is clear. Now kuch questions are simple. Say a force of 40 newton is applied on a nail whose tip has the area of itna. So find the pressure. I think ye kar sakte ho apne aap. हो जाएगा. फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर. यस सर. स्किप कर जाऊं, हो जाएगा फॉर्मूले में से. फॉर्मूला है, एफ दे रखा है आपको सर, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट, स्किप कर जाने इसको. सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरली 100 किलो पास्कल. हाउ लार्ज फोर्स दैट इज प्रेशर इज गिवन टू यू, हाउ लार्ज फोर्स दैट मींस एफ इज रिक्वायर्ड एंड window has the dimensions. So dimensions, you can calculate area now. Yes sir. चलिए हो जाएगा. Next, yes, one, next one, a tank which is 5 meter high is half filled with the water. इसको कर लेते हैं. A tank which is 5 meter high is half filled with water. So and remaining में क्या रखा गया है? Question पढ़ो अगर आप, तब तक आप question read करो. बाकी में क्या fill किया है मैंने क्वेश्चन के हिसाब से? इसमें हाफ में तो वाटर फिल कर दिया आपने एंड रिमेनिंग में क्या फिल किया गया बच्चे? ऑयल. 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 सो वाटर इज फिल्ड फॉर द हाफ हाइट व्हिच मींस 2.5 मीटर. 2.5 मीटर इज द वाटर एंड नाउ अबव दैट सपोज दैट देयर इज ऑयल.
तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा देते यार, ऐसे करके। कितना फिल किया ऑयल, उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है 2.5 मीटर। 2.5। तो अब क्वेश्चन क्या पूछें, प्रेशर एट दिस बॉटम पॉइंट, सो व्हाट विल बी द प्रेशर एट द बॉटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एट बॉटम आप चेक करना उसके ऊपर क्या क्या है, तो उसके ऊपर वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो तीनों के प्रेशर ऐड कर दूं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ऑयल का प्रेशर, वो हमेशा एच डी जी से आएगा। तो हाइट ऑयल की यूज करेंगे, डेंसिटी भी ऑयल का यूज करेंगे, और वाटर भी है तो हाइट वाटर की, फिर डेंसिटी वाटर की और इनटू जी। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली ये देखोगे कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, और जो जो चीजें उसके ऊपर है उन सब का प्रेशर वहां पर मिला करके ऐड कर दो। तो बॉटम के ऊपर वाटर है, बॉटम के ऊपर ऑयल है, बॉटम के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो तीनों के प्रेशर मिल करके वहां पर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज सर? 1 किलो इसका में कितने होते हैं? किलो मतलब 10,000। किलो मतलब 10,000। हाँ कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, क्वेश्चंस आप करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है। यस सर। यस नेक्स्ट सर। चलिए फटाफट बताइएगा, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड विथ डेप्थ इंक्रीजेस। गुड। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी, क्वेश्चन देखो, फिगर देखो आप, ए ऊपर है, बी और सी नीचे है, तो इसमें से कौन से सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स होंगे? सर बी सी। बी सी जीरो जीरो। सर नॉट जीरो जीरो। ए एंड बी, ए एंड बी नॉट जीरो होगा क्योंकि ये अलग अलग लेवल पे है, बट बी और सी जीरो होगा। ऑप्शन डी। जीरो, ऑप्शन डी। Force due to pressure acts always perpendicular. Very good. चलिए next आते हैं, buoyant force. तो buoyant force क्या है? When the object is immersed in the liquid, it experiences an upward force due to the liquid. Due to this, it loses weight. This is मतलब weight loss होता है उसके अंदर, and this upward force called as the buoyant force. And buoyant force also known as upthrust. ये तो इसके कुछ theoretical है, मतलब these are basically observations in the life, जिसके basis पर ये पता चला कि यार buoyancy नाम की कोई चीज होती है। So ये observations आप अपने आप पढ़ेंगे। Move करते हैं next point पर, cause क्या है उसका, what is the cause of the buoyant force, why मतलब buoyant force लगता ही क्यों है? So, buoyant force लगता इसलिए है कि जो आप ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में सबमर्ज करते हो तो लिक्विड प्रेस करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लिक्विड जो होता है वो हमेशा सॉलिड्स को प्रेस करेगा या फिर पुश करेगा उसको, तो फिर और ये पुश हमेशा परपेंडिकुलर साइड से होना चाहिए। तो अगर आप ये फिगर देखो, तो ये ऑब्जेक्ट अगर स्फीयर है तो इस स्फीयर को पुश करना मतलब दबाना है, तो हर एक साइड से इस स्फीयर को प्रेस करेंगे। फ्रॉम एवरी साइड दिस स्फीयर विल बी प्रेस्ड बाय द लिक्विड, फ्रॉम ऑल साइड्स द लिक्विड विल प्रेस दिस ऑब्जेक्ट। बट प्रेशर दिस पॉइंट सी इज एट अ मोर डेप्थ, डेप्थ ऑफ पॉइंट सी इज मोर देन द डेप्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए कम डेप्थ पर है, पॉइंट सी ज्यादा डेप्थ पर है, सो प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा और पॉइंट ए जो कम डेप्थ पर है वहां पर प्रेशर लेस होगा। सो किस साइड से हम ज्यादा प्रेस कर रहे हैं इसको, पॉइंट सी को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं या पॉइंट ए को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं? पॉइंट सी। सी को। पॉइंट सी। तो पॉइंट ए को आप डाउनवर्ड पुश कर रहे हो, पॉइंट ए को डाउनवर्ड पुश कर रहे हो कम प्रेशर लगा करके, और पॉइंट सी को अपवर्ड प्रेस कर रहे हो ज्यादा प्रेशर से। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश कर रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा पुश कर रहे हैं आप, मतलब सिचुएशन इज समथिंग लाइक कि डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, दोनों साइड पुश कर रहे हो आप, लेकिन डाउनवर्ड वाला आप कह सकते हो कि थोड़ा सा है और ऊपर की तरफ ज्यादा पुश कर रहे हैं उसको। तो ये बताओ क्या ये बैलेंस हो जाएंगे या अनबैलेंस होंगे? सर अनबैलेंस। सर अनबैलेंस। तो नेट फोर्स किधर होगा? नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ। सर ऊपर। और उसी को बॉयंसी कहा गया है। सर ऊपर की तरफ। उसी को बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हो। सो इसका क्या कॉज हुआ? द लिक्विड पुशेस
more at the bottom of object than at the top of object. And why it is so? The bottom of object is at more depth. अभी पीछे आपने क्या आंसर दिया था इसका? Pressure inside the liquid increases with depth. So for every object, obviously the bottom will be at more depth than the top of object. So the top of object will be pressed by lesser amount of force. Bottom of object will be pressed by the higher amount of force. And because of this, overall force will be in the upward direction, which we call as upthrust or the buoyant force. सर तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कैसे हो जाते हैं हमेशा बॉयंट फोर्स को तो उसको एक मिनट सुनो बच्चा अभी वो तो अभी बता रहे नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट डी एंड बी दे आर आल्सो प्रेस्ड पॉइंट डी इज बीइंग प्रेस्ड टुवर्ड्स राइट एंड प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी बिकॉज़ दे आर एट सेम लेवल दे विल बैलेंस आउट सो लिख राइट लिक्विड इज आल्सो एग्जर्टिंग फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस सो नेट फोर्स तो सर इन डायरेक्टली सर जीरो ही हुआ So this is the push by liquid. Kahan par? This is the push by liquid at the point D. And this is the push by liquid at point B. But D and B are on the same level. Point B, equal hoga. Point B, haan, ye same level par hai. So they are equal. And if they are equal, they are balanced. Aayi baat samajh mein aapko? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतने हो गए थ्योरी और मैथमेटिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आएंगे उसके पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉयंट फोर्स क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग होंगे बॉयंट फोर्स के तो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड वाई द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड राइट वो तो आर्किमिडीज हो गया बट वैसे भी सोचो अगर यही स्फीयर ज्यादा वॉल्यूम का होता तो क्या उसका साइज बड़ा नहीं होता आप यस सर तो बड़ा साइज होता तो बड़ा साइज होता तो उसके टॉप और बॉटम के बीच में डिफरेंस भी ज्यादा उसमें गैप ज्यादा होता यस सर और टॉप और बॉटम के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डेप्थ का प्रेशर में उतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा यस सर और जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस आएगा टॉप और बॉटम साइड पर उतना ही ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा भाई बॉयंट यस सर तो इसलिए वॉल्यूम है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्यों है बिकॉज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ लिक्विड तो उसकी डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है HDG के फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ लिक्विड आती है yes, सर वॉल्यूम वाले में ये आ सकता है कि सर अगर साइज बड़ा है सेम सस्पेंड से तो मास भी ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा उस हिसाब से बॉयंट फोर्स भी ज्यादा होगा हां बॉयंट फोर्स इज ड्यू टू क्या रीजन होंगे डिफरेंस इन प्रेशर वेरी गुड डिफरेंस इन प्रेशर किस साइड पर मतलब लेफ्ट राइट पर या टॉप एंड बॉटम सर टॉप एंड बॉटम सर टॉप एंड बॉटम एट टॉप एंड बॉटम What are the factors on which buoyant force depends? अभी पीछे Sir, volume of the volume and density. Density of liquid. A cubical object is floating inside a liquid such that upper surface is just inside the liquid. Now it is gently pushed into the liquid so that it acquires a velocity. Its nature of motion will be. क्या कहेंगे बच्चा अपवर्ड इट विल सिंक सोच लो आराम से पढ़ के बताओ सर डाउनवर्ड पक्का सर इट विल रिटेन यस सर डाउन सर वैसे ही रहेगा क्योंकि फ्लोट कर रहा है सोच के देखो बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूँ जल्दीबाजी मत करो लॉजिकल क्वेश्चन है अभी एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया वैसे आंसर सही आ चुका है ऊपर बच्चा इट विल सिंक देखो सर इट विल रिमेन इन द सेम पोजीशन द यूजुअल उसका सिमिलर पोजीशन में रहेगा सर ओरिजिनल पोजीशन में फ्लोट कर रहा है वो सर फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब फ्लोट मतलब क्या होता है कि द फोर्सेस आर बैलेंस्ड अच्छा एक और बात बताओ देखो एक और आपको कंसेप्ट समझाते हैं
बोयंसी का रीजन आप समझ नहीं पाए ना क्या है, बोयंसी क्यों लगती है, मैं आपको ना एग्जांपल समझाता हूँ थ्रू एग्जांपल वाई बोयंसी का मेन रीजन क्या है। देखिए हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट, आपको ना बेसिक समझाता हूँ इसका रीजन क्या है, और यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। बट फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट पानी के सरफेस पे है, मतलब पानी का सरफेस यहीं पर है, ऑलमोस्ट यहीं पर पानी का सरफेस है फर्स्ट केस में, और सेकंड वाले केस में पानी का सरफेस ऊपर है, मतलब लिक्विड थोड़ा सा अंदर है। बट ये बॉडी की हाइट सेम है, यहां पर भी एच हाइट है बॉडी की, ये हाइट एच है और ये हाइट भी एच है बॉडी की हाइट। अब ये बताओ इस बॉडी के टॉप साइड पर कौन प्रेस करेगा, यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा, इस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, और बॉटम पर कौन प्रेस करेगा, बॉयंट फोर्स, नहीं प्रेस, यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर आएगा ना, तो पी एटीएम लिक्विड प्रेशर, तो वो आज कितना होगा, पी एटीएम प्लस एच एचडीजी। ओके अब आप में बॉडी नीचे है तो मान लिया उसका टॉप साइड ऊपर से वाई डिस्टेंस पर है, टॉप साइड ऊपर से वाई डिस्टेंस पे है, सो प्रेशर एट दिस टॉप साइड, प्रेशर एट दिस टॉप साइड, तो पीटीएम प्लस एचडीजी इनटू वाई, तो इसको पी1 लिख लेता हूं मैं, इसको पी1, तो दिस पी1 विल बी इक्वल टू, दिस पी1 विल बी इक्वल टू पी एटीएम प्लस वाई डीजी, क्योंकि ये वाई डेप्थ पर है, और नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर P2, प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर एट द बॉटम साइड जिसको आप P2 कहोगे, सो दिस P2 विल बी इक्वल टू P ATM प्लस उसकी टोटल डेप्थ कितनी हो गई, H प्लस Y DG, H प्लस Y DG, H प्लस Y, ओके नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, P2 माइनस P1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम इफ आई सबट्रैक्ट, H माइनस Y, नो H प्लस Y होगा बच्चे, वो टोटल डेप्थ देखो ना, डेप्थ देखा करो कितना है ऊपर से यार, ये टोटल डेप्थ, यस सर यस, तो डिफरेंस क्या आएगा देखो इनमें, P2 माइनस P1 करने पर, P2 माइनस P1 करने पर जो डेप्थ आएगी, मतलब डिफरेंस करें अगर सबट्रैक्ट कर दें इनको, HDG, ओके, और यहां पर टॉप साइड में और बॉटम साइड में क्या डिफरेंस आ रहा है, HDG, तो दोनों में जब डिफरेंस सेम है तो दोनों में बॉयंट फोर्स सेम नहीं आएगा, क्योंकि बॉयंट फोर्स सर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, सर एक ऊपर फ्लोट कर रहा है और एक नीचे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से फर्क नहीं है हमें, बोयंसी लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, यस सर, मैं देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है उसका क्या मतलब है, उस पर फोर्सेस बैलेंस है कि अनबैलेंस है, बैलेंस बैलेंस, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में कि क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इनसाइड अ लिक्विड सच दैट द अपर पार्ट इज जस्ट, आई बात समझ में, जस्ट इनसाइड द लिक्विड, तो फ्लोट कर रहा है ना ये बॉडी, फ्लोट हो रही है यहां पर, फ्लोट होने का मतलब फोर्सेस बैलेंस है, तो फोर्सेस कौन से फोर्सेस बैलेंस है इसके ऊपर, कौन से दो फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, एक फोर्स लगता है बॉडी का वेट और दूसरा फोर्स लगता है बॉडी पर बॉयंसी, इनमें से कोई ज्यादा है कम है या दोनों बराबर है, फिर इक्वल होंगे, फ्लोट करने की तो कंडीशन ही यही थी कि बॉडी कब फ्लोट करती है, जब बॉडी का वेट और बॉडी की बॉयंसी आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर दे, इक्वल, ओके। अब अगर वो बॉडी नीचे चली गई, वो बॉडी नीचे आ गई, तो क्या उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा, यस सर, अच्छा सर, मतलब नो सर,
5 किलोग्राम की बॉडी को अगर आप पानी के अंदर लेके चले जाओगे तो क्या वो 7 किलोग्राम की हो जाएगी? नो सर, नो सर। तो दिस वेट, यानी बॉडी का वेट उतना ही रहा। और अभी आपने कहा है कि अभी देखो ये रीजनिंग दी है कि बॉयंसी भी दोनों जगह एक ही जैसी आएगी, क्योंकि बॉयंसी प्रेशर डिफरेंस से आती है, तो प्रेशर डिफरेंस तो दोनों में सेम आ रहा है। यस सर, यस सर। तो मतलब पानी के अंदर जाने पर भी बॉडी का वेट उतना ही रहेगा, पानी के अंदर जाने पर भी बॉडी का बॉयंसी उतना ही रहेगा, तो क्या ये फिर एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर देंगे? यस सर, यस सर। और अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए तो इसका मतलब इस बॉडी पर फोर्सेस तो बैलेंस हो गई। सर अभी वहीं पे सुनो, तो न्यूटन लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी पर फोर्सेस बैलेंस हो तो वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? सर रेस्ट, रेस्ट। नहीं, रेस्ट। फर्स्ट लॉ में दो बातें की गई हैं। फर्स्ट लॉ में या तो बॉडी रेस्ट पे होगी सर पर ये होना नहीं चाहिए, थोड़ा तो सर फ्रिक्शन तो सर वाटर भी एक्ट करेगा ना। तुम प्रैक्टिकल सही वाला क्वेश्चन मैंने पहले बस सॉल्व किया था, मुझे याद था ये वाला। बहुत अच्छा बच्चा, मतलब आप डूबेगा आप ये कह सकते हो, लेकिन इट्स नेचर ऑफ मोशन पूछा है। नेचर ऑफ मोशन लेटर मतलब बाद में किस टाइप का मोशन होगा, मतलब कि क्या ये और फास्ट मूव करने लगेगा या और स्लो मूव करेगा? सर यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन। सो आंसर हो गया इट विल मूव at same velocity. Sir, uniform downward motion? हाँ बिल्कुल। Most important part आपको buoyancy समझना है कि buoyancy जो होता है ना किसी body के top और bottom के pressure के difference की वजह से आता है, और bottom और top का pressure difference पहले वाले figure में और bottom और top का pressure difference दूसरे वाले figure में बिल्कुल एक जैसा है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। अब अ वेइंग मशीन ऑन विच अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड रीड्स डब्ल्यू, व्हाट हैपेंस टू इट्स रीडिंग इफ समवन कीप्स हिज हैंड सो दैट ओनली फिंगर्स आर इमर्स्ड इन द वाटर? सर जीरो। तो मार खाओगे और कुछ नहीं करोगे? नहीं सर, सर सिर्फ फिंगर्स इमर्ज्ड है तो सर नॉर्मल डब्ल्यू लिख के ही आएगा। तुम ना अब मार खाओगे। तुम बताओ, एक बार बताओ पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्या मैं आऊंगा एग्जाम में? बच्चा क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट डालो अपनी। सर ढंग से देखा नहीं कि सर सिर्फ फिंगर्स इमर्ज्ड है। भैया मेरे बाबू, ऐसे ही ना देखने की वजह से ही तो सिलेक्शन रुक जाते। यस सर, यही क्लास 9th और 10th का एडवांटेज है आपका कि आपकी जो गलतियां 11th में होनी थी वो अभी कर लो। ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर बीकर है, बीकर के अंदर पानी है। अब ये वेइंग मशीन कुछ रीड करेगी मान लो। अब आपने अगली बार क्या किया, अब इस समय फोर्सेस कौन से लगेंगे? इस समय क्या होगा, बीकर और पानी को मिला करके कुछ उसका वेट आएगा, आएगा ना वेट? यस सर। तो यही तो रीडिंग आई है, यही रीडिंग नहीं हो गई? यस सर, यही रीडिंग होगी सर, और कोई सेम रहेगी रीडिंग। सुनो तो, अरे मालिक अब सुनो मेरी बात। अब तुमने उस मशीन के ऊपर उसी बीकर के अंदर जा करके अपना हाथ डाल दिया, ठीक, क्या फर्क पड़ेगा भाई? उसी मशीन के ऊपर, उसी वेइंग मशीन के ऊपर। एक तो ये बड़ा डिस्टर्ब था, तो बच्चा तुम लोगों ने मेरी क्लास सेकंड वाली लेट करवा दी है। 6:30 क्लास का टाइम था। देखो इसकी बार क्या होगा, जब आप इसमें अपना हाथ डाल दोगे, मतलब किसी ने मान लो अपना हैंड इसमें इमर्स कर दिया, ठीक है जी, ऐसे करके मान लो, तो ये बताओ लिक्विड आपके हैंड के ऊपर बॉयंसी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर, यस सर, यस सर।
वेट तो अभी भी लगेगा बॉडी का, लेकिन आप क्या करेगा, लिक्विड जो होगा वो आपके हाथ पर एक बॉयंसी लगाएगा। आपको ये पता है बॉयंसी फोर्स है ना, एक बॉयंसी अल्टीमेटली फोर्स ही तो है। यस सर, यस सर, फोर्स बाय लिक्विड ऑन हैंड है। न्यूटन का ही एक थर्ड लॉ भी है कि दुनिया में फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, अकेला yes, फोर्स कोई नहीं आता। यस सर, सर अगर एक फोर्स रिएक्ट कर रहा है बॉडी का वेट करेगा ही करेगा। एक क्वेश्चन, अगर अगर बाय लिक्विड ऑन हैंड है तो उसका रिएक्शन भी तो होगा यार। यस सर, बाय हैंड ऑन लिक्विड, बाय हैंड ऑन लिक्विड, तो ये हैंड लिक्विड पर भी उतना ही बॉयंसी लगाएगा। आप ये दिमाग लगा लेना, बॉयंसी दोनों पे लगता है, सॉलिड पर भी लिक्विड पर भी। अब इस लिक्विड पर ज्यादा फोर्स नहीं हो गई, अब ये मशीन क्या रीड करेगा? W सर, W प्लस X मतलब बॉयंसी। यस सर, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है आज सर, बहुत इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है इसके लिए। तो बच्चा कोई बात नहीं है, इतना लेवल तुम्हारा बढ़ जाएगा कि बता रहा हूँ आपको बेनिफिट बहुत होगा, बता रहा हूँ तो देखिएगा। बॉयंसी कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ लिक्विड सॉलिड के ऊपर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है, सॉलिड भी लिक्विड पर लगाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को पुश करेंगे तो वो भी हमको पुश करता है न्यूटन थर्ड लॉ से। ऐसा नहीं है बेटा, बदनाम ना करो। सर एक क्वेश्चन पूछा था, पूछ नहीं पाया था पहले। पूछो पूछो पूछो, जल्दी पूछो। सर प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन बदलता है ना खाली यार। वैल्यू तो किसी भी दुनिया में किस, एक बार बताओ रियल नंबर्स नेगेटिव होते हैं? मैथ में रियल नंबर्स में नेगेटिव आता है कि नहीं आता? सॉरी नेचुरल नंबर्स में। यस सर, नेचुरल नंबर्स में। नो सर, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। नो सर, सर रियल नंबर्स में आता है। तुमने कभी सोचा नहीं कि इनका नाम नेचुरल क्यों पड़ा है? नंबर्स विचार क्योंकि नेचर में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब नेचर में कोई नंबर नेगेटिव नहीं है। नेचर में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो प्रेशर कैसे नेगेटिव? प्रेशर तो नेचर का ही पार्ट है। वही तो सर, बच्चा यस सर, नाम के अंदर ही उसका डेफिनेशन आ गया। प्रेशर इज द नेचुरल फोर्स। ठीक है बच्चा, अब एक काम करना होगा आप लोग को। आई एम सॉरी कि अभी जब -7 न्यूटन बोल देंगे तो उसमें इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हम माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वैल्यू को नहीं। सर आपने बताया था जब आप वेक्टर पढ़ा रहे थे। हाँ ठीक है बच्चा, अब ये ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल और दो टॉपिक्स आपके रह गए बच्चा, ठीक है? वो हाफ एन आवर अगर और होता तो आज ही हो जाते। तो अभी सर ले लीजिए, सर ले लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात टेस्ट है कल, मेरी बात सुनिए, अब इसको नहीं करा पाऊंगा बिकॉज मेरी एक और क्लास शेड्यूल्ड है, वो ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, ठीक है ना यार? तो आप यहाँ तक रखो, मैं ये नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ। सर नोट्स भेज दीजिएगा। सर अगर आप हमको कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाओ, सर हम बैठ जाते हैं। वही तो सर, कोई बात नहीं, हमको पढ़ने से मतलब है। बैठ जाएंगे सर बिना ब्रेक। सर पढ़ने से मतलब है इस मामले में, रेस्ट नहीं चाहिए। चलो अभी कर लेते हैं फिर बाद में। सर सुबह क्लास लगा सकते हैं? यस सर सुबह, क्योंकि सर पेपर 4 बजे से है, या तो सुबह लगा दीजिए सर। पेपर 4 बजे से है?